नमस्कार, इनफिल्म्स टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक्शन स्टार ऋतिक रोशन से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हमारे पूरे भारत देश में लॉकडाउन जारी है और कोरोना बीमारी की वजह से काफी लोग परेशान हैं। सुबह ऐसे में दोस्तों परेशान लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के बड़े सुपरस्टारों ने काफी अच्छा खासा डोनेशन किया है। जितना हो सका है सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से काफी ज्यादा मदद किए हैं। सुबह ऐसे में दोस्तों बात की जाए सभी स्टार्स के बारे में, तो लगातार और भी सभी स्टार सभी लोग इस बीमारी से जूझते हुए लोगों की मदद के लिए और जो इस पे काम कर रहे हैं इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सभी लोग लगातार मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने हाल फिलहाल में इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने मुंबई पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी रक्षा करते हैं मुंबई पुलिस के लिए इस सिचुएशन में, ऐसी हालात में ऋतिक रोशन ने उनको सैनिटाइजर प्रदान किया है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के सभी ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को सैनिटाइजर प्राप्त किए हैं ताकि पुलिस वाले अपने हाथ को साफ रख सकें और लोगों की मदद कर सकें। जबकि दोस्तों ऋतिक रोशन ने इससे पहले भी कई तरह से लोगों की मदद की थी इस कोरोना बीमारी से जूझते हुए लोगों की मदद में। तो दोस्तों एक बार फिर से ऋतिक रोशन आगे आए हैं मुंबई पुलिस की मदद के लिए, उनके हाथों को साफ रखने के लिए सैनिटाइजर प्राप्त करवाए हैं सबको, ताकि मुंबई पुलिस अपने हाथों को साफ रख सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। अगर ऋतिक रोशन के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें अगर कुछ भी कहना चाहते हैं बॉलीवुड के सभी स्टार्स के बारे में। धन्यवाद।